गाड़ी पूरी प्रस्तुत कर लिए हैं आप हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में और कैपिटल श्रीनगर में ये प्रोग्राम किया जाएगा। हम लोग एयर सर्वाइल भी रखेंगे, एयर सर्वाइल में ड्रोन को यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर को यूज करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्मी को, जेएनके पुलिस को पूरा मुस्तैद किए हैं। हर जगह नाका पॉइंट रहेगा, फिशिंग चेकिंग रहेगा और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आवाम को मैं अपील करता हूं कि अगर आपको फिशिंग चेकिंग में कहीं दिक्कत हो तो कृपया करके सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को सहयोग करें, ये आपके लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए है और सब मिलकर इसको उत्साह के साथ इसको सेफली मनाएंगे। हर एक बार 26 जनवरी 15 आता है और मिलिटेंट्स का प्रेजेंस भी है, हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, इन्फॉर्मेशन सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं, अगर कहीं मिलिटेंट प्रयास करेगा तो उसको हम लोग पहले स्टेज में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, जो फर्स्ट किया गया है, बिल्कुल हम लोग को खबर था कि जो अवंती पुलिस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्ट एरिया में बेडरूम में एक मिलिटेंट का हाइडआउट है, जिसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हम लोग हाइडआउट को बस्ट कर दी, जिसमें लगभग 6 से 7 मिलिटेंट रहने का जगह था, बहुत सारे सामान मिला। सर, शोपियन में जो इनकाउंटर हुआ, देखिए 10 तारीख को जब उनकी फैमिली ने पेरू पुलिस पोस्ट पर मिक्सिंग रिपोर्ट दर्ज कराया तो रजौरी पुलिस ने हम लोगों को इतला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हम लोग आवाम के लिए, प्रेस के लिए प्रेस नोट यूज किए और हमारे DSP मजहर साहब अपनी टीम को लेकर आज रजौरी गए हैं, वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। सर, उनकी फैमिली को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए 2 एस्पेक्ट है इसमें, कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, उनका पहचान हम लोग DNA सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका DNA सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है, उनके फैमिली जो जो क्लेम करेंगे उसका DNA सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको FSL में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है, दूसरा एस्पेक्ट है ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम कर रहे थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुका तो नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल इवेंट्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते।